अच्छा, अब आज 4.9 के टॉपिक पे, बहुत इजी टॉपिक है, आखिरी चीज है, वो है हार्मोनिक मेन। अगेन, जैसे आपने हार्मोनिक सीक्वेंस एपी के जरिए से किया है, हार्मोनिक मेन को आप अरिथमेटिक मेन के जरिए से करोगे, अपने सवाल को कन्वर्ट करोगे अरिथमेटिक के अंदर, और जिस तरह आप अरिथमेटिक मेन निकालते थे वो निकालोगे, रेसिप्रोकल करोगे, वो हार्मोनिक मेन बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि भाई अगर तीन नंबर्स एचपी के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल ए एच बी, ये तीन नंबर है जो कि एचपी के अंदर है, तो जो दरमियान वाला नंबर है वो क्या कहलाया जाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। वही कॉन्सेप्ट है जो आपने एपी जीपी और यहां पे भी आपने देखा कि तीन नंबर्स एचपी के अंदर हैं, दरमियान वाला नंबर हार्मोनिक। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब अगर आपको बोला जाए ना किसी भी दो नंबर्स के दरमियान आप हार्मोनिक मीन निकालो, या सिंपल आपको बोला जाए कि दो नंबर्स की आप हार्मोनिक मीन निकालो, तो दो नंबर्स की हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका क्या होगा कि सिंपल आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और फिर टू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, उन दोनों नंबर को ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगी। पहला क्वेश्चन यही है, हम देख लेंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सिंपल इसको आप एपी के जरिए से डिफाइन कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो कि अगर ये एचपी के अंदर है तो इनका रेसिप्रोकल एपी के अंदर होगा, और एपी के अंदर है तो आपको कंडीशन पता है कि डिफरेंस सेम रहता है, तो आप इन दो का डिफरेंस निकालो, इन दो का डिफरेंस निकालो, उनको आपस में इक्वल रखो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बुक ने डिस्कस किया, अगर आपको शौक हो गया फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ, बुक में देख लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के उन्होंने फॉर्मूला प्रूफ किया है। तो अगर तो आपको बोला जा रहा है ना कि दो नंबर की हार्मोनिक मीन निकालो, तो आप अपने सवाल को अरिथमेटिक में कन्वर्ट ना करो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, काफी काम का फॉर्मूला है, बाकी क्वेश्चन में भी आएगा। तो दो नंबर की अगर आपने हार्मोनिक मीन निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कहीं आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ज्यादा हार्मोनिक मीन निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन, इंसर्ट 10 हार्मोनिक मीन, फिर आप उसको एपी के जरिए से कन्वर्ट करोगे और फिर सॉल्व करोगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वही अगर ज्यादा नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल H1 H2 H3 डॉट 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 HN कॉमा B, अगर A और B दो नंबर्स के दरमियान ज्यादा नंबर्स अगर HP के अंदर मौजूद है, तो वही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि ए और बी को छोड़ के दरमियान वाले सारे नंबर जो हैं वो क्या कहलाए जाएंगे, हार्मोनिक मीन। तो आप इनको बोलोगे एन हार्मोनिक मीन, वेयर एन कुछ भी हो सकता है। अब इसका मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा क्योंकि मैंने बताया कि हम इसको एपी के जरिए से सॉल्व करेंगे, तो जो एपी में आपने चीजें पढ़ी थी ना अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करके सवाल को सॉल्व करेंगे, तो कोई नई चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जरा सवाल सॉल्व करते हैं फिर मजीद बातें करते हैं। जैसे 4.9 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंसर्ट हार्मोनिक मीन, मतलब सिंपल एक हार्मोनिक मीन निकालनी है आपको। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 को इमेजिनरी कर लेते हैं, चलो पार्ट नंबर 4 ले लेते हैं। दो नंबर्स कौन से लिखे हैं, 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। ये सवाल एमसीक्यू लेवल में आता है, क्वेश्चन में तो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो पहले नंबर को आप ए बोल दो, दूसरे नंबर को यहाँ पे आप बी बोल दो, इन दोनों नंबर्स के दरमियान आपको हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2 × a × b डिवाइडेड बाय a + b। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, दो नंबर्स की हार्मोनिक मीन निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको, 3 आयोटा - 3 आयोटा कैंसिल, नीचे तो 4 आ जाएगा, नीचे जो 4 आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 2 + 2 4, तो कैंसिल करके सिंपल आंसर 2 आ रहा होगा। अब ये आपको पता है क्या हो रहा है, पेपर में इस तरह नहीं करना क्योंकि एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, मैं क्या स्टेप कर रहा हूं इसके, नीचे 2 बच गया ऊपर सॉल्व कर लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चैप्टर नंबर 1 में टेक्निक बताई थी, इसका आंसर होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 13/2। तो इन दो नंबर्स के दरमियान जो हार्मोनिक मीन है वो 13/2, और अगेन वही बात, अगर आप इनको दरमियान में लिखोगे तो एक एच पी बन रही होगी। पहली टर्म है 13/2 2 - 3, तो ये पूरी आपकी क्या होगी, एच पी होगी, क्योंकि अगर आपने हार्मोनिक मीन निकाला है उस हार्मोनिक मीन को अगर आप दो नंबर्स के दरमियान इंसर्ट करोगे तो वो पूरी क्या बन रही होगी, एच पी बन रही होगी। देखने में थोड़ा अजीब लगेगा कि यार इन दोनों में आयोटा है, दरमियान में आयोटा नहीं है, वो बना हुआ इस तरह है। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है ना कि एच पी है, तो इसको रेसिप्रोकल करो, तो वो एपी होनी चाहिए, आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना एपी होगी वो, तो आपको समझ जाओगे कि ये सीक्वेंस एचपी के अंदर है। तो इस तरीके से दो नंबर्स का आप हार्मोनिक मीन निकालोगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर टू में बोला हुआ है कि आपको चार हार्मोनिक भी इंसर्ट करनी है, दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला हुआ है फाइव हार्मोनिक भी इंसर्ट करनी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर थ्री करवा देता हूँ, टू ऑलरेडी कवर हो जाएगा उसके अंदर। अब जरा देखो किस तरह पांच हार्मोनिक भी आप इंसर्ट करोगे दो नंबर के दरमियान। इंसर्ट फाइव हार्मोनिक मीन बिटवीन कौन से नंबर्स हैं, 1/4 एंड 1/24, इन दो नंबर्स के दरमियान पांच हार्मोनिक में इंसर्ट करें। 8, 12, 16, 20 नहीं सही, कुछ और होगी। अच्छा सवाल को कन्वर्ट करना है एपी के अंदर, आपने जरा कर लेते कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू एपी। एपी के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब सिंपल, आप इंसर्ट करो पांच अरिथमेटिक मीन बिटवीन, रेसिप्रोकल कर दो 4 and 24। सवाल को आपने कन्वर्ट कर लिया एपी के अंदर, अब भूल जाओ कि एचपी का सवाल था ये, बस एपी के जरिए सॉल्व करो इसको कि यार पांच अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो 4 और 24। 4, 24 कैसे आए, आपने रेसिप्रोकल किया दोनों नंबर्स को। अब एपी में आप कैसे सॉल्व करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, जो पहला टर्म था वो ए होता था, जो दूसरा टर्म है वो 24। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये एग्जैक्ट 4.3 में जो मैं काम आपने किया था वही मैं करता हूं, तो मैं टाइम्स पे जाया नहीं करूंगा, जल्दी से मैं कर देता हूं। 4.3 में आपने काम बहुत दफा किए, कोई नई चीज नहीं है। तो बी 24 है, ए यहाँ पे 4 है, कितनी इंसर्ट करनी है पांच, तो एन 5 है। 24 माइनस 4 20 20 डिवाइड बाय 6, अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करो तो 10/3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 10/3। अब आप जरा अरिथमेटिक मीन निकालो, सबसे पहली अरिथमेटिक मीन क्या आएगी कि फर्स्ट टर्म के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 10/3, 3 4 12, 12 + 10 22, पहली अरिथमेटिक मीन आ गई। दूसरे का फॉर्मूला क्या होगा कि पहली अरिथमेटिक मीन के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करो, तो 22/3 के अंदर ऐड करो 10/3, ये हो जाएगा 52/3। इसी तरीके से आपकी तीसरी अरिथमेटिक मीन, चौथी अरिथमेटिक मीन, पांचवी अरिथमेटिक मीन क्या होगी, इसके अंदर 10/3 ऐड करना 42/3, ये हो जाएगा 52/3, ये हो जाएगा 62/3। निकाल लेना सिंपल फॉर्मूला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये पांच अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगी, तो अब इनको आप रेसिप्रोकल करोगे और आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगी। तो लिख देना हेंस फाइव हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/4 and 1/24 आर। कौन कौन सी हार्मोनिक में रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगी 3/22, 3/32, 3/42, 3/52 और 3/62। ये आपके पास पांच हार्मोनिक में आ गई। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। तो पूरा सवाल आपने अरिथमेटिक में रखा, एंड का आंसर जो है कन्वर्ट कर दिया, लाइफ आपकी सिंपल हो जाएगी। कोई सवाल यहां तक, खामोशी है भैया आज क्लास में, थ्री अपॉन 42 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/40 लिख सकते हो, और हाँ बाकी तो सिंप्लीफाई नहीं है। देखो हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना, अब जो सवाल है वो डायरेक्ट इंसर्ट करने वाले नहीं है, वो डिफरेंट कंडीशन वाले हैं। अच्छा इस एक्सरसाइज का दूसरा टॉपिक है उस पर आ जाओ, दूसरा और तीसरा टॉपिक एक ही किस्म के हैं, वो है कि रिलेशन क्या है तीन चीजों के दरमियान। तीन चीजें कौन सी, रिलेशन बिटवीन ए जी एच, फिर ए का मतलब अरिथमेटिक मीन, जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और कैपिटल एच का मतलब हार्मोनिक मीन। आपने बताना है कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, वो नंबर्स ए और बी हैं जनरलाइज अगर आप बात करो, दो नंबर्स के दरमियान जब आप अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो, तो दो रिलेशन है जो आपको उनके दरमियान नजर आएंगे। सबसे पहला रिलेशन क्या है कि अगर आप ए जी एच अगर इस तरह लिखो, मतलब कोई दो नंबर्स थे आपके पास, आप इस तरह कह सकते हो इसको कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स है ए और बी, अगर इनके दरमियान आप तीन चीजें मालूम करो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और इन तीनों मीन को आप इस अंदाज में लिखो, किस तरीके से ए जी एच,
मतलब सबसे पहले अरिथमेटिक मीन लिखो, फिर आप ज्योमेट्रिक मीन लिखो, फिर आप हार्मोनिक मीन लिखो, तो आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास जीपी बन रही होगी। अब इसका मतलब शायद आप लोगों को भी समझना है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूँ, खुद ही आपको मतलब समझ आ जाएगा, मुझे टाइम करने की टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सवाल आपको कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, तो 7 कर लेते हैं ताकि फौरन ये बात समझ आती। 7 में बोला अरिथमेटिक हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन निकालो दो नंबर के दरमियान, 1 और 9 के दरमियान, फिर बाकी बातें देखते हैं। तो दो नंबर 7 में गिवन है 1 और दूसरा नंबर गिवन है 9। आपने क्या करना है, तीनों मीन निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पे अरिथमेटिक मीन निकालो, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, तो सॉल्व करो 1 प्लस 9 अपॉन 2 ये हो जाएगा 10, 10 अपॉन 2 क्या होता है 5 के बराबर, अरिथमेटिक मीन आ गई। फिर आप निकालो ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा 2 आती है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 होता है, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गई। फिर आप निकालो यहां पे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है 2ab अपॉन a प्लस b, तो वैल्यू पुट करो, a यहां पे 1 है, b यहां पे 9 है, नीचे 1 और 9 को ऐड कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 10, 18 अपॉन 10 क्या होता है 9 अपॉन 5, तो आपके पास हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगी 9 अपॉन 5। आपने क्या करना है, जब आपके पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक आ जाए, अगर आप उसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास जीपी बन रही होगी। आप ऑब्जर्व करके देख लो, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक फिलहाल मैं 3 लिखता हूं और हार्मोनिक मीन 9 अपॉन 5, आप देखो जीपी बन रही है। जीपी की क्या होती थी कंडीशन, क्या रेशो सेम रहना चाहिए, आप देख लो इन दो टर्म्स के दरमियान रेशो निकालो 3 अपॉन 5, इन दो के दरमियान 3 अपॉन 5 आ रहा है, आप इन दो के दरमियान रेशो निकालो, 9 अपॉन 5 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 3 3 3 9, अगेन कॉमन रेशो 3 अपॉन 5 बन। तो आप ऑब्जर्व करोगे जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान आप अरिथमेटिक निकालते हो, ज्योमेट्रिक निकालते हो, हार्मोनिक मीन निकालते हो, और इनको एक सीक्वेंस की फॉर्म में इस तरह लिखते हो कि पहले आपने हार्मोनिक लिखी, अरिथमेटिक लिखी, फिर आपने ज्योमेट्रिक लिखी, फिर आपने हार्मोनिक नहीं लिखी, तो ये सीक्वेंस बन रही होती है। ये सीक्वेंस क्या होती है, ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। और अगर ये तीनों चीजें जो है ये ज्योमेट्रिक के अंदर है, तो ज्योमेट्रिक के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि जब तीन चीजें ज्योमेट्रिक के अंदर होती है, जब तीन नंबर ज्योमेट्रिक के अंदर होते हैं तो दरमियान वाला क्या होता है, दरमियान वाला ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो आप ये समझ लो ज्योमेट्रिक मीन भी ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब दो चीजें, एक तो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के दरमियान है और दूसरा ये ज्योमेट्रिक मीन ए और एच के दरमियान भी है, मतलब अगर आप अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो ये आएगी, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। आप यहाँ पे 5 और 9 अपॉन 5 की ज्योमेट्रिक मीन निकालो, आपके पास ये आ रही होगी, करके देख लो, 5 को मल्टीप्लाई करो 9 अपॉन 5 से 9 आएगा रूट लो 3 आ रहा है। तो उसका मतलब अगर आप अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन की भी जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे ना तो आपको ये वाली ज्योमेट्रिक मीन मिल रही होगी जो आपने इन दो नंबर्स के दरमियान इंसर्ट की थी। तो यहाँ पे समझ लो कि जी जो है ना वो 4 नंबर की ज्योमेट्रिक मीन है, एक तो ये 1 और 9 की ज्योमेट्रिक मीन होगी और एक ये अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन की भी ज्योमेट्रिक मीन है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों नंबर जीपी के अंदर होंगे, दरमियान वाला नंबर ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी, फॉर्मूला सिंपल था जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, जैसे वहां आपने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, वहां से आपने फॉर्मूला निकाला था प्लस माइनस रूट ए बी, तो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो नंबर्स क्या है ए और एच, तो फॉर्मूला आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, ये रिलेशन बुक में लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को इस तरीके से डिराइव करवा दिया, सही है। तो दो बातें आपने क्या पढ़ ली, एक तो जब आप ए जी एच को सीक्वेंस के फॉर्म में लिखोगे तो वो ज्योमेट्रिक बन रही होगी और ज्योमेट्रिक के अंदर दरमियान वाली क्या होती है, मीन होती है। तो आपने ये पढ़ा कि जब भी आप किसी दो नंबर्स के दरमियान ये सारी मीन इंसर्ट करते हो तो जो ज्योमेट्रिक मीन होती है ना वो एक खास उसकी अहमियत है, क्यों, क्योंकि वो गिवन दो नंबर्स की भी ज्योमेट्रिक मीन होती है और वो गिवन अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन की भी ज्योमेट्रिक मीन होती है, और फॉर्मूला जो है वो क्या होता है जी स्क्वायर इक्वल टू एच। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला था कि पहले तीनों मीन निकालो और प्रूफ करो कि जी स्क्वायर बराबर है एच के, तो आप प्रूफ कर लो 7 के अंदर, एंड तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो नाउ प्रूफ करते हैं, फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है कि जी स्क्वायर बराबर है एच के, आप वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, जी की वैल्यू पुट करो, जी है +-3 का होल स्क्वायर, इस तरफ ए है, ए का होता है 5 और एच क्या है यहाँ पे 9 अपॉन 5,
प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर करोगे तो नाइन ही आएगा, फाइव से फाइव कैंसिल नाइन आ रहे। इसका मतलब सवाल आपका प्रूफ, जी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है एच के। तो क्वेश्चन नंबर सेवन भी हमने कर लिया, साथ साथ हमने ये चीज जो है ये भी समझ ली, रिलेशन बिटवीन ए जी एच के, ए जी एच के दरमियान क्या रिलेशन होता है कि जी का स्क्वायर बराबर होता है ए एच के। और यहां से बोर्ड में देख के आपको एक और चीज भी समझ आ रही है, ये क्वेश्चन सेवन करवाने की खास वजह थी, दैट्स व्हाई मैंने करवाया, कि दूसरा रिलेशन भी आप समझ जाओगे। दूसरा रिलेशन क्या होता है कि जब भी आप दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालते हो तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगी ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक ग्रेटर होगी हार्मोनिक से। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो, एज फार एज जो आपने ए और बी पिक किए हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, जो सवाल में दो नंबर थे ना वो पॉजिटिव हो, ठीक है, और जो आपने ज्योमेट्रिक मीन पिक किया है वो पॉजिटिव वाली होनी चाहिए, क्योंकि दो ज्योमेट्रिक मीन आती है ना, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो अगर आप पॉजिटिव वाले ज्योमेट्रिक मीन पिक करो और जिन दो नंबर्स के दरमियान आपने मीन निकाली है वो दोनों पॉजिटिव हो तो आप हमेशा इस रिलेशन को फॉलो करोगे। ये रिलेशन क्या कहता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो, अरिथमेटिक मीन 5 आई थी जो कि ग्रेटर देन है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से, जो कि ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। 9 अपॉन 5 इज लाइक 1.8, तो डेफिनेटली 3 ग्रेटर होगा 1.8 से, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने ऑब्जर्व कर लिया। और अगर आपके दरमियान ये दो नंबर आप पिक कर रहे हो, जिन दो नंबर्स के दरमियान आप ये मीन निकाल रहे हो अगर वो नेगेटिव है और आप ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव वाली पिक कर रहे हो तो फिर ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। और इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप नेगेटिव नंबर पिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ दो नंबर होते हैं -1 और -9, दोनों नंबर नेगेटिव है, आप इनकी अरिथमेटिक मीन निकालो, अरिथमेटिक मीन आती -5। आप इनकी ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन अभी भी इनकी +-3 आ रही होती, और आप इनकी हार्मोनिक मीन निकालते हैं, हार्मोनिक मीन आ रही होती, हार्मोनिक मीन 9/5 आ रही होती, क्योंकि ऊपर दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, अरे नहीं नेगेटिव आ रही होती, सही है, क्योंकि नीचे नीचे नेगेटिव आ रहा है ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ऊपर नेगेटिव आएगा। तो अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, कंडीशन क्या है कि अगर ए बी दोनों नेगेटिव रियल नंबर है और जो ज्योमेट्रिक मीन आप पिक कर रहे हो वो नेगेटिव वाली पिक कर रहे हो तो फिर ये रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि हार्मोनिक मीन अब ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक ग्रेटर होगा अरिथमेटिक से, मतलब उल्टा हो गया अभी। और आप ऑब्जर्व कर लो, अरिथमेटिक मीन है -5, ज्योमेट्रिक है -3 और हार्मोनिक है -9.5। नेगेटिव में आपको पता जितनी चीज बड़ी लगती है वो उतनी छोटी होती है, तो -5 छोटा है -3 के, -3 छोटा है -9.5 से, तो अरिथमेटिक मीन लेस होगी ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक मीन लेस होगी हार्मोनिक से। कुछ सवाल तो उन्होंने इतने बच्चों वाले डाले हुए हैं वो तो मतलब एमसीक्यूज होने चाहिए, पता नहीं कैसे सवाल बना दिए उनको। मैं पहले इजी सवाल करवा लूं, तो एक ही सवाल थोड़ा लेंथी है इसके अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर 5, बाकी तो खैर बहुत ही किड्स प्रॉब्लम जिसको कहते हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला प्रूफ करो कि स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ ए एम एंड एच, वही कंडीशन जो अभी इन्होंने बोली थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि प्रूफ करो कि स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अब ये कोई चीज प्रूफ करने वाली है नहीं, सवाल आएगा भी नहीं पेपर में इतना छोटा सवाल, लेकिन अगर आ जाए तो फिर गलत है ना सॉल्यूशन इसका। क्या सॉल्यूशन होगा, फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले, अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन का ये वाला फॉर्मूला होता है और हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला होता है। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो इसके अंदर, तो हम कंसीडर करेंगे जिस चीज को हमें प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो आप पुट कर दो सब चीजें। जी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी का होल स्क्वायर, अरिथमेटिक मीन है ए प्लस बी अपॉन टू मल्टीप्लाई, हार्मोनिक मीन है 2ab अपॉन ए प्लस बी। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक रियल एग्जांपल से प्रूफ की थी ये चीज, अभी हम जनरलाइज्ड लैंग्वेज में प्रूफ कर रहे हैं फॉर्मूलों से। खैर ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस का स्क्वायर इग्नोर करो, रूट का स्क्वायर जब लोगे तो रूट हट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ए भी बच जाएगा, यहां भी हर चीज कैंसिल होने के बाद ए भी, तो सवाल आपका प्रूफ। तो इस सवाल की कोई औकात नहीं थी कि इसको कोई एक्सरसाइज बना के दें, जब क्वेश्चन नंबर 7 में चीज प्रूफ करने को दे दिया उन्होंने तो दोबारा देने की क्या जरूरत थी। तो 5 को पहला छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर
सिक्स पे आओ, सिक्स में लिखा हुआ इफ फाइव इज द हार्मोनिक मीन। अब ये कुछ सवाल है देने वाला, लिखा हुआ फाइव हार्मोनिक मीन है टू और बी का, फाइंड बी। क्या मैं बोलू खराब, ये सिंपल हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है आपको, इसमें उन्होंने हार्मोनिक मीन दे दी है क्वेश्चन नंबर सिक्स में। हार्मोनिक मीन आपको बोला फाइव है, फाइव इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर, टू और बी, मतलब पहले वाला नंबर जो होता है ना वो भी आपको दे दिया और आपको यहाँ पे बी निकालना है। कौन सी बड़ी बात है बी निकालना, एच की जगह फाइव पुट करो, ए की जगह टू पुट करो और बी आपको निकालना है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, सिंपल ये हो जाएगा फोर बी अपॉन टू प्लस बी। इस टू प्लस बी को फाइव से मल्टीप्लाई करवा दो, फाइव टू जा टेन, फाइव बी जा फाइव बी, फाइव बी बदल ले जाओ, सब्ट्रैक्ट होके वहां पे माइनस बी आ जाएगा, सॉल्व करना बी की वैल्यू माइनस टेन आ जाएगी। ये सवाल है लास्ट बुक में 4.9 काफी मुश्किल हुआ करती थी, अब तो बहुत अच्छा वाली है। सेवन मैंने आप लोग करवा दी है, एट और नाइन एक जैसे ही है, दो इक्वेशन बनानी है सॉल्व करना है। एट में बोला भाई अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज एट, हार्मोनिक मीन इज सिक्स, फाइंड द नंबर्स। दो इक्वेशन बनेगी, एक होगी ए प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन दी है ना, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू एट। क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन उनकी एट है, तो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू एट एक ये इक्वेशन होगी। इसको सिंप्लीफाई करना हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 16, बी की वैल्यू निकालना बी आएगा 16 माइनस, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देना। इस किस्म का सवाल है कि 4.8 में भी आपने देखा था, इसको अच्छी वर्डिंग में लिख लेना कि गिवन कंडीशन ये है कि अरिथमेटिक एट के बराबर है, एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि हार्मोनिक मीन सिक्स के बराबर है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स। इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू थ्री टाइम ए प्लस बी, ये सिचुएशन आएगी इसमें। अब आप क्या करो बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है 16 माइनस ए, तो यहाँ पे बी की जगह 16 माइनस ए पुट कर दिया और यहाँ पे भी बी की जगह पुट कर दो 16 माइनस ए, माइनस ए पॉजिटिव ए कैंसिल, 36 जा 48, इधर मल्टीप्लाई करोगे सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ए की दो वैल्यू आएंगी, उन ए की दो वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे, बी की दो वैल्यूज आ जाएंगी और आपके पास फाइंड द नंबर्स, मतलब वो दो नंबर्स आसानी से आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ सॉल्व, एग्जैक्ट आप उसके अंदाज में कर लो, दो इक्वेशन बनानी है उनको सॉल्व करना, एग्जैक्ट 9 में भी यही करना है। लिखा हुआ था हार्मोनिक मीन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशन गिवन है, सबसे पहली कंडीशन है कि हार्मोनिक मीन जो है, आप इसको इस तरह लिखो कि हार्मोनिक मीन जो है वो किसके बराबर है 24 अपॉन 5 के बराबर है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है 2 1 2 2 12 24, ए प्लस बी को जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करवा दो वहां पे जाके, तो ये सिचुएशन बनेगी। अब आपकी मर्जी यहां से ए की वैल्यू निकालो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन इजी है नहीं, ज्योमेट्रिक मीन एक काम करो इसको ऐसी रहने दो, क्योंकि ज्योमेट्रिक वाली मीन काफी इजी कंडीशन होगी, उसमें से डायरेक्ट ए या बी की वैल्यू निकाल सकते हो, अभी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कॉमन लेना पड़ेगा, तो बेहतर है इसको इक्वेशन नंबर वन ही कह देते हैं। अब आप दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करो, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो सिक्स है, ज्योमेट्रिक मीन सिक्स के बराबर है क्योंकि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू सिक्स। स्क्वायरिंग करो ए बी इज इक्वल टू 36, ए की वैल्यू निकालो 36 अपॉन बी, इसको इक्वेशन नंबर टू कहते हैं। अगर आप ये काम पहले करते ना तो दो इक्वेशन ना बनती, एक ही इक्वेशन बनती, मतलब ये काम अगर पहले करते इसको वन बोल देते, जब इस कंडीशन में आते डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं तो दो इक्वेशन ना बनती, लेकिन चलो कोई भी पहले कर लो कोई मसला नहीं है। अब आपने दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, इस ए को पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो ये है 5ab, ए की जगह आपने पुट कर दिया 36 अपॉन बी, इसी तरह 12 मल्टीप्लाई ए, ए क्या है 36 अपॉन बी प्लस बी, तो यहां से बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, तो 5 और 3 क्या होता है 15, यहां पे क्या बचेगा 36 अपॉन बी प्लस बी, सॉल्व करो बी को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 36 के अंदर ऐड कर देना, बी को जाके यहां पे मल्टीप्लाई करवा दो 15 भी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना बच्चों, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लो, हो जाएगी। 36 के आप फैक्टर बनाओ 12 3 का, तो 12 3 जब आप फैक्टर बनाओगे यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही होंगी, यहाँ पे होगा ना -12, तो एक तो आ रहा होगा बी -12, दूसरा आएगा -3, मतलब एक 12 वैल्यू आ रही होगी, एक 3 वैल्यू आ रही होगी। सॉल्व करके देख लेना, इन दो वैल्यूज को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो जब आप बी की जगह यहाँ पे 12 पुट करोगे, 37/12 3 होता है, और जब आप बी की जगह यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 36/3 क्या होता है, 12 होता है। तो ए की भी वैल्यू आ गई 312। आपको यहाँ पे दो नंबर्स मालूम करने थे, वो दो नंबर्स क्या थे, ए और बी। तो आप अगर ए की वैल्यू 3 लोगे तो बी की वैल्यू 12 है, तो दो नंबर्स क्या है, 312। इसी तरह अगर आप ए की वैल्यू 12 लोगे, बी की वैल्यू 3 लोगे, तब दो नंबर्स है 12 और 3। सीक्वेंस नहीं बना रहे ना, आपका बस मसल है दो नंबर मालूम करना, तो वो दो नंबर्स क्या है, आप 312 लिखो या 12 3 लिखो, बात देखिए। तो दो नंबर्स आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, 3 और 12, सिंपल लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 5, यही सवाल आपने अरिथमेटिक मीन में ही पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन में ही पढ़ा था, अब आप हार्मोनिक मीन में पढ़ा कि आपको यहाँ पे मालूम करना है एन, और कंडीशन क्या गिवन है कि जो पूरी फ्रैक्शन है ये हार्मोनिक मीन बन जाएगी एक्स और वाई की। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन है कि पूरी फ्रैक्शन को आपने बनाना है हार्मोनिक मीन किसका, एक्स और वाई का। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy/x+y। नॉर्मली नंबर आपके a प्लस भी होते थे, अब आपके नंबर x y है, तो उसी पर आके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका जैसे आपने पहले पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ इसको, इसको मल्टीप्लाई करवा दो इससे, तो हम x प्लस y को मल्टीप्लाई करवाते हैं इनसे, और इस चीज को मल्टीप्लाई करवाओ इससे, अब सॉल्व कैसे करेंगे, x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, कॉन्सेप्ट वही होता है, बेसिस सेम, तो पावर ऐड होनी चाहिए। जब x मल्टीप्लाई होगा x के टर्म से, अभी x की पावर 1 है, किसी नंबर के ऊपर पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 होती है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस 5 है, तो 1 को माइनस 5 में ऐड करोगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो सिंपल x की पावर n माइनस 4। फिर x को मल्टीप्लाई करो y की टर्म से, इस तरह लिख दो, फिर y को मल्टीप्लाई करो x की टर्म से, इस तरह लिख दो, और जब y को y के टर्म से मल्टीप्लाई करो, वो इसकी पावर 1 है, इसमें -5 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा y की पावर n -4। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, 2xy को सबसे पहले आपने x से मल्टीप्लाई करना, वही बात है, 2 और y तो अपनी जगह पे रहेगा, जब x पे से मल्टीप्लाई करोगे ये n -6 है, इसकी पावर 1 है, तो अब x की पावर हो जाएगी n -5, और इस वाली टर्म को इससे करोगे तो 2x एज इट इज रहेगा, y को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर है -5। देखो यहां पे x की पावर n -5 और उसके साथ y लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे y की पावर n -5 है, इसके साथ x लिखा हुआ है, y की पावर n -5, इसके साथ x लिखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, हम उधर ले जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहली और आखिरी टर्म बच जाएगी, बाकी आप शिफ्ट करवा दोगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये वाली टर्म एज इज देखो, मैं एक स्टेप स्किप नहीं कर रहा ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ये वाली टर्म जो है उधर आके नेगेटिव हो जाएगी, फिर आप इस टर्म को लिखो, और ये वाली टर्म जो है ये उधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ये है 2yx की टर्म, ये है -yx, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1, 2 माइनस 1 सिंपल 1 के बराबर होता है, तो yx की पावर n -5, इसी तरह 2 माइनस 1 सिंपल 1 हो जाएगा, तो xy की पावर n -5। वही कॉन्सेप्ट जो आपने पहले भी पढ़ा था कि कॉमन हमें यहां पे लेना है, कॉमन कैसे लोगे, यहां पे x की पावर n -5, यहां पे n -4, तो किसी तरह इन पावर्स को आपने मैच करना ताकि कॉमन ले सको। तो मैथ कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये वाली जो x की पावर टर्म है उसको उधर ले आओ, और ये y की टर्म जो है उसको उधर ले जाओ, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है। उसके बाद इस x की पावर n माइनस 4 को मैं इस तरह लिख रहा हूं, एक ही बात है, x टू द पावर n माइनस 4 इज इक्विवेलेंट टू
एक ही बात है, एक्स की पावर वन है, बेसिक सेम है, पावर ऐड करोगे दोबारा एन माइनस फाइव प्लस वन एन माइनस फोर होता है। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। सेम इस टर्म को आप लिखो एक्स वाई की पावर एन माइनस फाइव, और ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। और सेम इसके साथ भी वही करो कि वाई की पावर एन माइनस फोर को आप इस तरह लिखो वाई टू द वाई की पावर एन माइनस फाइव। ये करने से फायदा है कि आप कॉमन ले सकते हो, x की पावर n माइनस फाइव कॉमन लो यहाँ पे x और माइनस वाई, यहाँ पे आप कॉमन लो x माइनस वाई, ये आपस में वन टाइम जाएंगे। इस y की टर्म को नीचे ले आओ, अब आप दोनों के ऊपर पावर है तो आप एक साथ ही पावर लिख दो, और वन को आप कन्वर्ट कर दो x अपॉन y की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो आंसर है। बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब पावर्स भी आपस में सेम होंगी, यहां से एन की वैल्यू फाइव आ जाएगी। सर इसमें वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी या नहीं? ऐसी सही है, वेरिफिकेशन करना चाहो तो कर लो यार, जरूरी नहीं है सवाल में, अगर चाहो तो यहाँ पे एन की जगह फाइव पुट कर दो, ये सिंपल वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा क्योंकि पावर जीरो हो जाएगी तो आंसर वन होता है, तो ऊपर टू आ जाएगा। नीचे क्या होगा, यहाँ पे एन की जगह फाइव पुट करो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन वाई की पावर माइनस वन, तो इनको लिख देना वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई। एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, नीचे बिल्कुल एक्स वाई की टर्म आ रही होगी जो ऊपर जाके टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस टाइप का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर चाहो तो कर दो वेरिफिकेशन, बहुत अच्छी बात है, वरना डिमांड आपसे नहीं की जाएगी कि वेरिफिकेशन करनी है।